तार्किक आधार के उसको समझे फिर समझे या उसको कसौटी पर कसे, जो हमने लिया वो ही आगे बढ़ा दिया। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ही ये होता है कि आप उसको चिंतन मनन और तार्किक आधार पर उसका विश्लेषण करें हर चीज़ का, चाहे घटना है, परिदृश्य है, समाज है हमारा, कोई भी किसी भी विषय ज्ञान है, तब हम सही तथ्यों तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और हमें जीवन में कुछ बदलाव समाज में अगर करने हैं तो उसके लिए वो वैज्ञानिक चेतना ज़्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक चेतना के अभाव में ये होता है कि बड़े बड़े आप आर्ट्स के स्कॉलर्स को भी छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर, यहाँ तक कि बड़े बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक, नासा का जब अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे उससे पहले बोले पूजा पाठ। अभी आपका रिसेंट आपके ज़िले की घटना बीजलपुर का डैम, उस सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया गया, लेकिन जब वो खोलने का नंबर आया वो आया वहाँ तो बोले क्या हुआ, यानी पहले पूजा पाठ। अरे भाई, तो उसमें से सच कौन सी बात है? अगर वो निराधार है वैज्ञानिकों का खोज और उनके प्रयास, तो फिर वो निराधार है। भाई, आस्थाएँ व्यक्तिगत चीज़ें, उसको आप धर्म को या अपनी आस्थाओं को समाज से या राजनीति से को धर्म उसका आधार बना के क्यों देखते हैं चीज़ें? तमाम है, तमाम धर्म और मत है, तो फिर या वो आप करते ही हैं और आपने उसको प्रजातंत्र स्वीकार किया है तो सबका वो वर्जी, सबका की मान्यता, यानी आप संविधान तो आपका कहता है कि हम हर एक धर्म को हर एक मत को समान सम्मान देते हैं, लेकिन व्यवहार हमारा उसके उलट है। तो आप उसी का देखते हैं समाज में, हम कि वो डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, खुद मैं कहीं बाहर नहीं आता, अभी हमारे जो ससुर साहब हैं वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, डिग्री कॉलेज के रिटायर, यानी उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया है और उनका वो आया था निमंत्रण, बोले भाई वो कथा करा रहे हैं, सत्संग है और आपको भी आना है। मैं सॉरी, मेरी कोई उसमें बोल रही है आप, अरे इस तो तार्किकता कहाँ है हमारा? तो हम जब तक अपनी रूढ़ियों से, पूर्वाग्रहों से मुक्त होके अगर किसी भी विषय पे, हमारे आसपास जो भी विषय है उसमें हम अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होके और उसको वो तर्क की तार्किक कसौटी में फंसेंगे और तथ्यात्मक तरीके से विश्लेषण करेंगे, तभी हम कुछ सही चीज पा सकते हैं, वरना ये ही होगा जो आज हो रहा। और रूढ़ियाँ और ये अंधविश्वास और हमारे ये पूर्वाग्रह, ये हमें कहीं कभी, मेरा मानना ये है कि कहीं आगे नहीं ले जा सकते। ये जो हमारा मौजूदा शिकंजा है, घेरेबंदी है, ये उसमें फांसे रखने की साजिश है पूरी, ये उससे बाहर, उससे आप मुक्त हो ही नहीं सकते अगर आप पूर्वाग्रह छोड़ दें। और रूढ़ियों से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इसीलिए जो ज्ञान अर्जन है, ज्ञान अर्जन के लिए सिर्फ जानकारियां काफ़ी नहीं है, जानकारियां तो आज इतनी सुलभ हो गई हैं कि कंप्यूटर पर उंगली घुमाई आप और सारी उंगलियों को गूगल पर सर्च करें हर किसी भी विषय की तो वो आपके सामने, लेकिन वो क्यों है, कैसे है, उसके माने क्या हैं, ये समझने के लिए तो वो ही हमारा परिवेश है। तो ये तो हो गई एक थोड़ी सी मुख्तसर सी बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। भाई, मैं आपने यहाँ बैठे हुए हैं, आप इतने लोग आप सब आए हुए हैं उससे छोटे हैं, तो इसका मतलब ये तो है कि बूढ़े हैं 70 साल के, इन्होंने जो कह दिया, जो ये कह रहे हैं कि ये सब सही है, जो मैंने कहा आप मेरी बात को सही ऐसे ही क्यों मान लेते हैं, जो मैंने कह दिया वो सही है, बोले बूढ़ा है तो सही बोले। मेरा मानना ये है कि मैं जो भी कह रहा हूँ उसको आप अपने दृष्टिकोण से
अपनी कसौटी में घस के लेंगे ना कि इसने जो बात कही इस बूढ़े ने इसकी कितनी सही है कितनी गलत है और इसमें क्या हमें सोचना चाहिए। तो हमें अपना जीवन जीना है तो हमें अपने तरीके से खुद को विकसित करने के लिए स्वतंत्र रूप से खुद अपने को ज्ञानवान बनाना होगा, उसके लिए ज़रूरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों से सारे रूढ़ियों से मुक्ति, इसके बिना वो संभव नहीं है। अब हमारे व्यवहार में वैज्ञानिक क्षेत्र में वो जो परिचर्चा थी हम और जातीय विभाग में वही हम सैफ यहाँ दसों धर्म हैं, हमारे देश में दसों धर्मों के मुकाबले भी हैं, हजारों जात बिरादरियाँ और फिरके हैं। एक तरफ तो तमाशा ये कि धर्म कोई सा भी, जितना मैंने जाना है जितना धर्मों के बारे में पढ़ा है, कोई सा भी धर्म ये बिल्कुल नहीं कहता कि जो घृणा को या हिंसा को या द्वेष को बढ़ावा देता हो। हर धर्म का जो सार है वो ही ढाई आकर प्रेम है, लेकिन जो व्यवहार में है वो आप देखिए हमारा समाज वो कितने को उसको तमाम खानों में बांट दिया, आदमी हो या दूसरे प्राणी हो, सबका जो जन्म लेने का और मृत्यु का तरीका वो सब एक सा है, या किसी जात किसी धर्म किसी बिरादरी का कोई अलग अलग है। तो अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इस सामाजिकता के समाज के बारे में सोचने का कि सारे व्यक्ति एक हैं एक जैसे हैं, फिर वो धर्म और जाति के नाम पे ये विभाजित क्यों है, उसके आधार पे ये घृणा या श्रेणी या क्यों है कि मैं श्रेष्ठ मैं सर्वश्रेष्ठ ये है ये ही, इसके क्या माने हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था तो बात धर्म की, लेकिन वो सारा का सारा और जब हम वैज्ञानिक दर्श तार्किकता में उसको कर सकेंगे तब पता चलता है सब छल और प्रपंच है, वो सारे के सारे वो छल प्रपंच ही तो है, वरना इन सब चीज़ों के कहाँ लोग होते। तो जब हम समाज में देखते हैं तो जब ये है कि हर आदमी पैदा एक तरीके से और वो किसी भी उसका जो यहाँ माँ के पेट से निकलने के बाद कौन से और धरती पे आया, मेरा मानना तो ये कि वो ठप्पा वो जो बांटा बंटवारा किया हुआ है उन धर्म या धर्म का वो मेरी दृष्टि में वो धर्म का संजाल है। धर्मों वैज्ञानिक आधार पर उनका परीक्षण करें ना, जो हम दुनिया में देख रहे हैं तो ऐसा क्यों है। तो जहाँ तक मेरे समझने का, मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था कि ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो सामाजिक संरचना है उसमें जो सत्ताधारी वर्ग है और जो पुरोहित है, आज उसमें एक वो बाजार और शामिल हो गया है, बल्कि बाजार उन पर भी हावी हो गया, बाजार में उन पर भी कब्जा कर लिया है, वो सब शामिल होकर उन्होंने एक ये जो चालाक लोग हैं धूर्त चालाक ज्ञानवान नहीं, मेरे दृष्टि में वो ज्ञानी नहीं, वो धूर्त और चालाक है ताकि वो बैठे बैठे सारी दुनिया में जो सुविधाएँ सुख सुविधाएँ मौजूद हैं उन पर वो काबिल हो सके, उनका वो अपने लिए रिजर्व कर सके और ये जो बाकी हैं भोले भाले उन्हें भोले भाले उन्हें उन मूर्ताओं में घेरा रखें और उसी को या कि बस उन्हें मुस्कान के लिए रखना है कि अपने मजदूर की तरह अपने जैसे किसान का बैल होता बैल होता कि बस उनका जिम्मेवारी आम आदमी की इतनी है कि वो कमाता रहे हाड़ ढूंढे और आधे पेट खाता रहे, लेकिन उनके लिए वो सारे की सारी सुविधाएँ जुटाता रहे और ईश्वर के नाम पे, अरे भाई वो ईश्वर समरसता है तो उसके नाम पे ये वो क्यों नहीं देखता है ऐसा कि ये जो बुरी हालत है जो मेहनत कष्ट वर्गों की वो उसकी दृष्टि में क्यों नहीं आती अगर वो सबको समान देखता है।
तो वो उसकी नज़र वहाँ क्यों नहीं जाती उन मलिन बस्तियों में, उनमें ऐसा क्यों है हमारे सामाजिक व्यवस्था में कि जो मेहनत कशों की बस्तियाँ हैं वहाँ भूखमरी, गंदगी, बलादर, बीमारियाँ, बिजली नहीं, पानी नहीं, शिक्षा नहीं, मतलब सारी वंचनाएं उनके जिम्मे हैं। और तुलनात्मक रूप से वो टोंक हो या जयपुर हो या दिल्ली हो, कलकत्ता हो या कोई छोटे मोटे गांव हो, तुलनात्मक रूप से जो सामाजिक सुविधाएं हैं वो जो संपन्न वर्ग हैं उन बस्तियों के लोग हैं वो वहां तक सीमित हैं। मैं धनाढ्य हूँ तो मेरी कॉलोनी में रास्ता भी 40 फुट का होगा, एक पार्क भी 500 गज का होगा, टूटेगा है वो ज़रूरी है, मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो जो है 24 घंटे जो सेवा में लगे होंगे उनके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आदमी आदमियों पर जो अभी वर्ण व्यवस्था है, अभी जो हिंदू धर्म की उसमें बोले कौन सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। अब आप जब नज़र दिलाते हैं तो जिन पर शूद्र का लेबल लगाया है, समाज के असली रक्षक मेरी दृष्टि में, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जवाब देखेंगे तो समाज के रक्षक, समाज के आधार वो ही वर्ग हैं। आप ये चले जाइए जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं हिंदुस्तान के हर एक गांव में, जो खेतीहर मजदूर हैं उनका काम करने वाले, यानी नंबरदार का खेत जोतने वाले, वो गरीब और मेहनत करते हैं और माल बटोर के उनकी कमाई बटोर के ऐड करने वाले वो हैं। तो ऐसा क्यों है? तो समझने का ये है, अच्छा एक जो सबसे निकृष्ट हमारे समाज में एक तमाशा क्या है कि वो जो पुरोहितवादी चाले हैं उसमें वो श्रेष्ठा और है और ये चार श्रेणियाँ, यानी एक से पैदा हुए कहते हैं, एक तरफ तो बाहर नहीं है कि ईश्वर की नजर में सब एक है, सब बराबर है, प्राणी मात्र बराबर है, आदमी ने कीड़े मकोड़े तक सब बराबर है, लेकिन जो लोक व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, उसमें आप देखें उन्हें आपस में भी लड़ाई झगड़े उन्हें करा के पता उन्हें बांटे रखने के लिए। ये जो तंत्र है इस पर कब्जा करने का तरीका यही है कि वो जो मेहनत का स्वर्ग है उन्हें अशिक्षित रख के, उन्हें मूर्ख रख के, उन्हें बीमार रख के, उन्हें इतना कमजोर रख के, उन्हें रोजी के लिए लाचार रख के कि वो वक्त की रोटी जुटाने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाए अपने बारे में, और बस उन्हें लूटना उठाना है। इसके अलावा क्या लगता है? मैंने भी समझा है दुनिया से तजर्बा तो हवालिस की शक्ल जो भी कुछ मिला है वो लौट पा रहा हूँ, मैंने तो ये देखा है, मुझे तो ये लगता। तो वो जो सबसे निकृष्ट जिसको मानते हैं सबसे ज़्यादा एक इसका काम करना, वो तो सिल्वर लाइन में पाते हैं। आज भी जो पखाने बटोरते हैं और सिर पे मेला डोलते हैं बोले वो सबसे गंदे हैं। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तो अगर ये जो हमारे सफाई कर्मी जिनकी वजह से हम जिंदा हैं और स्वस्थ हैं वो उनके श्रम की बदौलत है ना, और उनकी हालत क्या है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें तो ये दिखता है कि उनकी हम कितनी बड़ी जाती है। और सारे आदमी बोले आबादी वो ही आबादी का है कि बढ़ती आबादी में दो, अरे भाई जब आप जो श्रम का जो निर्माण का मूल आधार है वो मानव श्रम है, जब आप श्रम का संपूर्ण नियोजन नहीं करेंगे सही से तो फिर वो किसी उत्पादन कैसे हो पाएगा? तो दोष नियोजन को नहीं देते, दोष देते बोले नहीं तो अच्छा उसके पीछे अशिक्षा है। मैं ये नहीं मानता कि मैं कोई आबादी को बेलगाम पढ़ने की हिमा उनको कर रहा हूँ हिमाएँ, लेकिन उसके कारणों में उनको कारण से उन्हें दूर की अभी भी जाकर देखो कहीं भी किसी सारे धर्म और जाति से परे होते जो जहाँ शिक्षा पहुँची है वहाँ चीज़ें सुधरने लगी। हमने ये देखा पठानों में और खुलाओं में उन्हें एक एक के फिट पूरी पूरी क्रिकेट की, लेकिन आज आप देख लें 30 साल बाद
जो नई जनरेशन है जो कुछ पढ़ गए तो वहाँ वही कॉन्सेप्ट है, कितने ही कोई कुछ गए वही एक या दो बच्चे शिक्षित हो पाए समझेगा अपने अच्छे बुरे को तभी तो अपने बारे में समझेगा। तो शिक्षा में स्वास्थ्य की क्यों व्यवस्था में एक माने में यहाँ, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान में जीतता है, राजस्थान सरकार का तो इस माने में एक धन्यवाद का काम रहेगा दूसरे में कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चिकित्सा जांच पूरी और दवाइयाँ ये मुफ्त, इससे काफ़ी कुछ मतलब बेमौत मरने से जो गरीब आम आदमी है वो बचाए। फिर दूसरा आता है स्वास्थ्य, और स्वस्थ है तभी तो रोजगार कर पाएगा सही। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त होंगे तभी तो रोजगार में लग पाएंगे, तभी तो कुछ कमाने लायक बनेंगे, तभी तो, और जब कमाने लायक बनेंगे जब हमारे पास कुछ बचत होगी तभी तो शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वो सारा का सारा वो उल्टा क्रम चालू है, वो कभी पूरा उसमें सेचुरेशन तो आया ही नहीं, ऐसा नहीं है अब होगी स्थिति अब ना नई स्कूल की जरूरत है, लेकिन आपका होता है वो जो 420 है हेरा फेरी, वो 420 की हेरा फेरी रिश्वत खोली उसको लग जाता है, लेकिन लड़ेगा कौन जिसमें आत्मसम्मान है वो ना तो ठीक है, और जिसका जमीर गवारा नहीं करता ना वो चोरी और चकारी और रिश्वत खोरी और हेरा फेरी करेगा, वो क्या करेगा तो वो लड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझने का अब तो सामाजिकता में जो वो है सामाजिक व्यवहार में हमारा वो होना चाहिए। भाई मुझे आप ये बताइए आप में किसी के भी दिमाग हो कि ये आपकी दृष्टि में सही है क्या ये वर्गीकरण, ये श्रेष्ठता और हेयता के आधार पर चार वर्णों में बांट देना वैज्ञानिक चेतना से संपन्न खुद को मानते हैं। हम अगर रूढ़ियों से मुक्त खुद को करना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि उस जाति और बिरादरी के और धर्म के आधार पर आदमी आदमी में भेद करना ये कैसे सही हो सकता है? हमारी वैज्ञानिक चेतना तो उसको स्वीकार करती है उसको, और किसी की जो वैज्ञानिक चेतना से वो है संपन्न उनको ये प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन जो रोगियों पर ग्रस्त है जो अंधविश्वासी है जिनका जो सिर्फ तोते हैं जिनका किसी ज्ञान से कोई मतलब नहीं, डिग्रियाँ हो सकती हैं बड़े बड़े लेकिन वास्तविक ज्ञान से जिनका कोई संबंध नहीं है, ना उन्हें कोई ज्ञान की खोज की ज़रूरत है, वो जैसे जैसे अपने तो आखिर कैसे इन चीज़ों से मुक्त हो जा सकता है, उसके लिए प्रयास कौन करेगा?